तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने, अरे आमने सामने तेरे घर के सामने मचा है कैसा शोर। देखो लूट रहे हैं इसका मजा सब, हुआ न कोई बोर। यहाँ मौज मस्ती होती है कुश्ती, बेचारे पति आए देख तमाशा देख, तेरे घर के सामने, ना ना ना, तेरे घर के सामने। आओ आओ, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। अरे आज तो मेरी बहन बहुत जल्दी उठ गई है, लगता है कॉलेज बंद है। क्या भैया सवेरे सवेरे भाभी की तरह ताने दे रहे हो आप? आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल, कहीं ऐश्वर्या ने सुन लिया ना तो अपने भाई के साथ कल ही तेरी सगाई कर देगी। ओह नो। ओह यस। मैं ऑलरेडी दो तीन लड़कों को कमेंट कर चुकी हूँ। अच्छा, मैंने तो सोचा कि तूने सचिन को फाइनल कर लिया है। फाइनल तो कर दिया है, लेकिन मैं हमेशा स्टैंड बाय रखती हूँ। स्टैंड बाय? हाँ। अच्छा मैं सचिन को फोन करती हूँ। स्टैंड बाय। हेलो माय डियर। क्या जीजा जी, सॉरी सॉरी रॉन्ग नंबर। जब भी फोन करो सचिन की जीजा जी उठाते या उसकी दीदी। मैं हाय डार्लिंग। डार्लिंग भाई, मैं रीचा का भाई बोल रहा हूँ। मेरे भाई सचिन का फोन है तुम्हारे लिए। हाय सचिन। सचिन, हम दोनों इतने करीब आ चुके हैं कि तुम्हारे और हमारे बिल्डिंग का वॉचमैन एक ही है। नहीं नहीं जानू, सुनो, वॉचमैन एक नहीं, अब तो तीन तीन हो गए। तीन तीन? मैं समझी नहीं। अरे बाबा, एक वॉचमैन गेट पर और दो घर के अंदर। ओह, यू मीन मेरी भाभी और तुम्हारी दीदी अंदर के वॉचमैन है। बराबर। सचिन कब आओगे? दोपहर को आना। दोपहर को मेरी भाभी ब्यूटी पार्लर जाती है, और पता है एक बार मेरी भाभी ब्यूटी पार्लर के अंदर गई तो चार चार घंटे तक बाहर नहीं आती है। सच? हाँ, उसे अपनी ब्यूटी पर भरोसा ही नहीं है। सचिन, मैं घर में अकेली हूँ, तुम आ जाओ। मैं और तुम, और तुम और मैं। अच्छा सच, अच्छा रुचि, मैं रखती हूँ। सचिन से बात कर रही थी ना? नहीं भाभी, मेरी एक फ्रेंड है रुचि, मैं उससे बात कर रही थी। देखो, तुम्हारी इस फ्रेंड रुचि में मुझे कोई रुचि नहीं है, समझी? लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, उस सुष्मिता के भाई से तुम कभी बात नहीं करोगी, समझी? पांडे जी। आया जी। पांडे जी। पांडे जी जी, अरे नए घर में आते इतनी इज्जत जी। अच्छा अच्छा ठीक है, हम इस एरिया में नए आए हैं, जरा जाके पता लगाओ कि ये एरिया है कैसा। अभी पता लगा के आता हूँ जी। अच्छा, किसे पता लगाओगे? देश पांडे जी। क्या देश पांडे? तुम चुप रहो। वैकेंसी में क्या लिखा है? पढ़ा लिखा प्रोफेसर चाहिए। क्या क्या लिखते रहते हैं। अरे भाई सुसु। हाँ? मेरी चाय का क्या हुआ? ला रही हूँ। लाओ ना बाबा। ये लो। थैंक यू डार्लिंग। लालू। हाँ बोलो। सुनो ना। हाँ बोलो ना। वो ऐश्वर्या की बच्ची को मैं यहाँ रहने नहीं दूंगी। क्यों? उनकी इनकम हमसे ज्यादा है। डोंट वरी डार्लिंग, हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी। मैं दो तीन ट्यूशन ज्यादा करने वाला हूँ। कोई तरकीब ढूंढो। अरे सिंपल है तरकीब, किसी भी पैसे वाले स्टूडेंट को मिड टर्म एग्जाम में फेल कर दो, ट्यूशन अपने आप मिल जाएंगे। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। तो ऐश्वर्या को यहाँ से भगाने का कोई रास्ता ढूंढो। ओह अच्छा, ये बात है। देखो डार्लिंग, ऐश्वर्या को यहाँ से भगाने के सिर्फ दो रास्ते हैं, एक बहुत ही मुश्किल है। कौन सा? पांडे जिस बैंक में काम करता है उस बैंक की तुम मैनेजर बन जाओ, और बैंक वालों ने पांडे को जो मकान दिया है ना वो उससे छीन लो। और दूसरा? दूसरा बहुत ही आसान है, तुम पांडे की बीवी के सर पर भूतनी बन के सवार हो जाओ। ये अच्छा है। है? है? देखा, भूतनी वाला आइडिया अच्छा लगा। देश पांडे। ओ देश पांडे। अरे पांडे, क्या बात है, आजा आजा भाई, आज क्या बात है, सवेरे सवेरे आ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अकेला ही आया है ना? या तो मैं हमेशा अकेला ही आ सकता हूँ ना। ठीक है, कुछ चाय भाई नहीं मिली? हाँ क्यों नहीं, चाय दो भाई। थैंक यू। अच्छा मैं ये पूछने आया था कि ये जगह रहने के लिए कैसी है, आई मीन कितनी सेफ है? अच्छी है, सेफ है। क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं यार, ऐसे वो ऐश्वर्या जानना चाहती थी। नहीं नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है। सुसु, यहाँ तो दिन दहाड़े चोरियाँ होती है। क्या कह रही है? हाँ,
पिछले महीने हमारे घर में चोरी हुई थी। अच्छा, क्या क्या चोरी हुआ था? बस यूं ही कुछ किताबें, रद्दी न्यूज़पेपर्स वगैरह। अच्छा, मतलब कि पढ़े लिखे चोर है। और मेरे 10 लाख के गहने भी चोरी हो गए थे। 10 लाख? आपको पता है ये चोर एक एक घर पे नजर रख के चोरी करते हैं। मतलब सिस्टमेटिक चोर है। और उस दिन वो चोर कह रहे थे कि इस बार आपके घर का नंबर है। क्या कह रही है? अच्छा देशपांडे, मैं चलता हूँ। क्यों इतनी जल्दी? नहीं नहीं, ऐश्वर्या को खबरदार करना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है। अरे चाय तो पिता जा, लेके जा रहा हूँ भैया। अरे कब भिजवा दूंगा। सुसु, ये हमारे घर में 10 लाख की चोरी? अरे वो तो मैंने ऐसे उसे डराने के लिए कहा था। तभी मैं सोचू कि हमारे पास 10 लाख रुपए आए कहाँ से। जाओ अपने लिए चाय बनाओ, जाओ। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? बेड में कुछ गड़बड़ है, मुझे चुबा कुछ। अरे कुछ गड़बड़ नहीं है, वो मेरी ज्वेलरी है। और यहाँ? हाँ, जैसे ही तुमने मुझे बताया कि इस एरिया में चोर है ना, तो मैंने लॉकर से अपनी सारी ज्वेलरी निकाल दी और यहाँ बिस्तर के नीचे छुपा दिया। समझे? छुपा दो इसे। मैंने यहाँ से निकाल। क्यों? मुझे इतने कीमती बेड पे सोने की आदत नहीं है। तो बस सो जा, बाहर हॉल में सो। हॉल में नींद नहीं आती है। और भी अच्छा है, जैसे ही चोर आएगा हमें पता चल जाएगा कि चोर आया है। इससे तो अच्छा है गहने चोरी हो जाए, कम से कम आराम से तो सो सकता हूँ। आज मुझे डिफरेंट स्टाइल में सोना पड़ेगा, ऐसे। केमिस्ट्री ऑफ वाइल्ड लाइफ When it comes to here, chemistry is a very dicey subject. You should stay very careful. Professor, उठो। Shh, don't disturb. आज क्लास में अटेंडेंस अच्छी है। अरे तुम्हारे सपने के क्लास में अटेंडेंस अच्छी होती है, उठो। Hey you, shh, get up. You get up. Get up. अरे you get up. क्या कर रहे हो? सुसु, तुम मेरे क्लासरूम में क्या कर रही हो? अरे बाबा ये क्लासरूम नहीं, अपना बेडरूम है। आई एम सॉरी डार्लिंग। अच्छा तुमने मुझे क्यों जगाया? लालू जरा जाके देखो ना ऐश्वर्या के घर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे डार्लिंग ये रात के 2 बजे हैं। 2 बजे क्या हो रहा होगा? शरीफ आदमी की तरह वो लोग सो रहे होंगे। सो रहे होंगे तो उन्हें जाके जगाओ। लेकिन क्यों? लालू मेरा एक काम करोगे? बोलो डार्लिंग। आज की रात तुम चोर बन जाओ और ऐश्वर्या को डराओ। चोर? हाँ, वरना मेरी चोरी की अफवाह झूठी साबित होगी ना। नहीं नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा। लालू प्लीज मेरे लिए। ओके ठीक है डार्लिंग। अरे सो क्या रहे हो? जा जाओ ना। मेरे चश्मा की तरह ये क्या है? अरे हाँ ओके मैं जा रहा हूँ। मनु, मनु, मनु! कौन? क्या? क्या? अरे मैं हूँ, चिल्ला मत। इसकी आहट सुनिए, जाके देखो कौन है। अरे कोई बेचारा चोर अपना काम कर रहा होगा, तुम भी सो जाओ। अरे अगर चोर अपना काम कर रहा है तो बाहर जाके उसे पकड़ो। सो क्या रहे हो तुम? जाता हूँ, जब देखो ना। भाई, भाई। मैंने सोचा कि चोर है। अरे चोर तो भाग गया, लेकिन भाग गया कहाँ? भाग गया? इसका मतलब सही कह रही थी सुष्मिता कि इस एरिया में चोर है। मैंने कहा ना सुष्मिता बहुत अच्छी है। चुप कर तू। ओफो कितनी गर्मी है। गुड मॉर्निंग ऐश्वर्या बेन। गुड मॉर्निंग मिसेस पटेल। ऐश्वर्या तुम्हारा नया मकान कैसा है? अरे मकान तो अच्छा है लेकिन एरिया अच्छा नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे मैंने सुना है कि यहाँ पर चोर वोर होते हैं। चोर? और यहाँ? चोर तो है लेकिन जरा हाई क्वालिटी के, और उनका मार्केट प्लेस भी इस एरिया से बाहर है। इसका मतलब यहाँ चोरी वोरी नहीं होती? होती है ना, कभी कभार कोई किसी का दिल चुरा लेता है। या कोई औरत किसी से नजर चुराती है बस, वरना चीजें चोरी नहीं होती। लेकिन मन्नू ने तो सुना है कि पिछले ही महीने प्रोफेसर देशपांडे के यहाँ बहुत बड़ी चोरी हुई। अबे फेंके छे। अरे उसके पास है क्या चुराने को?
ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स। अरे लेकिन मैंने तो सुना है कि वो सुष्मिता के 10 लाख के गहने भी गए। 10 लाख के गहने? अगर इतने गहने उसके पास होते तो वो सोसाइटी की सेक्रेटरी नहीं बन जाती। इसका मतलब ये सब अफवाहें हैं? हाँ, वरना सोसाइटी में किसी एक औरत के पास इतने गहने हो और हमें पता ना चले। हमारे पास सबकी डिटेल्स है और हमें तो ये भी मालूम है कि तुम्हारे पास जितने गहने उसमें से आधे नकली है। अच्छा अच्छा ठीक है। इसका मतलब ये सुष्मिता मुझे डराने की कोशिश कर रही है। अब देखती हूँ, मैं भी उसे छोड़ने वाली नहीं। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम तो जानती हो उन दोनों में कॉलेज के जमाने से दुश्मनी है। अरे तो फुकट में बैठ के मजा देखना, तारुश हो जाए। चलो। हेलो, कौन? नटी प्रोफेसर, जरा सुष्मिता की बच्ची को फोन देना। ओ मैडम, तमीज से बात कीजिए, एक मिनट देता हूँ। सुसु, क्या है? तुम्हारे लिए फोन है। अच्छा डार्लिंग, एक बात बताओ, ये नट्टी प्रोफेसर का मतलब क्या होता है? वो तो हॉलीवुड की एक फिल्म का टाइटल था जिसमें वो प्रोफेसर क्रैक रहता है। अच्छा, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बात करो। हेलो सुष्मिता की बच्ची चोरी की अफवाह फैलाकर मुझे डराना चाहती है, लेकिन मेरा नाम भी ऐश्वर्या है। अब देख तुझे कैसे मजा चकाती हूँ। लालू, ऐश्वर्या को मालूम हो गया है कि पांडे को मैंने चोरी चपाटी के बारे में बंडल मारा था। मतलब तुम्हारे जासूसी डिपार्टमेंट से उसका जासूसी डिपार्टमेंट ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। इस मोहल्ले में चोरी होगी, जरूर होगी, और वो भी ऐश्वर्या के घर। लेकिन कैसे होगी डार्लिंग? हम करवाएंगे। हा? देखो एक काम करो, एक किसी प्रोफेशनल चोर को सुपारी दे दो। तुम कैसी बातें कर रही हो, इतनी छोटी सी सुपारी के लिए चोर चोरी करने क्यों जाएगा? अरे वो सुपारी नहीं, सुपारी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। बदमाशों की लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट को सुपारी कहते हैं। अच्छा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग दी है। तुम्हारे सारे खानदान वाले इसी बिजनेस में है क्या? क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। देखो मैंने जो कहा है वो याद रखना, किसी प्रोफेशनल चोर को सुपारी दे देना। अरे हाँ बाबा हाँ, तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे गली गली में सारे चोर अपना ऑफिस खोल के बैठे हो। क्या मतलब? अरे डार्लिंग मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं किसी चोर को नहीं जानता। लेकिन चोर तो तुम्हें जानते हैं ना। वो कैसे? हर महीने बस स्टॉप पे 2 बार जेब जो कटती है। अच्छा ठीक है, आज से मैं चौकन्ना रहूंगा कि चोर मेरी जेब काटने कब आते। वाह वाह, चौकन्ने तुम क्या रहोगे, आज तो पहली तारीख है, आज चोरी चौकन्ने रहेंगे। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए हमारे अकाउंट्स की पोजीशन। लेकिन ये तुम मुझे क्यों दिखा रही हो? क्योंकि आप हमारे नए चीफ मैनेजर हैं। ओह यस, मैं तो बार बार भूल जाता हूँ कि मैं यहाँ का नया चीफ मैनेजर हूँ। आई नो सर, आज सुबह आपने लिफ्ट मैन को सलाम किया था। ठीक है ठीक है। हेलो, ऐश्वर्या बोल रही हूँ। हाँ बोलो ऐश्वर्या। अच्छा सुनो, तुम जल्दी से एक चोर ढूंढ लो। अरे मैंने कहा एक प्रोफेशनल चोर को ढूंढ लो। प्रोफेशनल चोर? लेकिन किस लिए? आज रात को मुझे सुष्मिता के घर में चोरी करवानी है। चोरी? हाँ हाँ चोरी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। क्या हुआ सर, आपके घर में चोरी हुई? नहीं मिस श्वेता, करवानी है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी नजर में कोई एक्सपीरियंस चोर है? है ना सर, आप मुझे कितना कमीशन देंगे? कमीशन? हाँ, पिछली बार जब हमारी बैंक में 10 लाख की चोरी हुई थी तब चीफ मैनेजर ने मुझे 5% कमीशन दिया था। आप कितना देंगे? ठीक है जाओ यहाँ से। क्या है भाई, ये क्या घूर घूर के देख रहे हो? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? सर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछो। पूछो। आप शरीफ हैं या चोर? सॉरी। मेरी ओर घूर के देख रहे हो? Are you sure आप चोर नहीं है? पीछे देख, पीछे
तेरी जेब कट रही है देख। चोर पकड़ लिया। चोरू भाई आप भागेगा मत। मैं आपको सुपारी देना चाहता हूँ, एक जगह चोरी करनी है। कहाँ? एक बैंक मैनेजर के यहाँ। ना 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 ना, अपन बैंक मैनेजर के घर पे चोरी नहीं करता सेठ। क्यों? अरे लास्ट टाइम बैंक मैनेजर के घर पे चोरी करने के लिए गया था, पूरा 1,00,000 रुपया मारा था सेठ। अच्छा? दूसरे दिन बैंक में अकाउंट चालू करने गया, वो इस मैनेजर था, 3 साल अंदर था। बैंक में? जेल में। नहीं नहीं, ये चोरी तो बिल्कुल सेफ है। क्या है, बैंक मैनेजर की वाइफ के गहने चुरा कर मुझे ला कर देने, बदले में मैं तुम्हें सुपारी दूंगा। कितना सुपारी? मेरा मतलब है कितना रकम देगा तुम? महीने की पूरी तनख्वाह दे दूंगा। क्या काम करते तुम? प्रोफेसर हूँ। ये ले, मेरे पास है। ओ, तेरे पास है, रख ले, पूरे 5,000 है। बस इतना ही तनख्वाह है तुम्हारा? नहीं, तनख्वाह तो ज्यादा है लेकिन काट कुट के इतनी बचती है। मतलब तुम्हारी जेब पहले से कटती है। इतने से क्या होगा? अरे रख लेना, तू तो मेरे साले जैसा है, पॉकेट मनी समझ के रख ले। आइला, इमोशनल कर दिया। अच्छा सेठ, तुम अपन को उस बैंक मैनेजर का हुलिया आता पता एड्रेस बताओ, और ये बताओ कि उसकी आइटम, मेरा मतलब उसकी बीवी, किधर रखती है गहने? वो तो पूछना पड़ेगा। ठीक है, तुम अपुन का मोबाइल नंबर लिखो, उसमें फोन कर देना। अच्छा, तेरे पास मोबाइल भी है? ये फैसिलिटी अपुन के लिए तो बनेला है। सेठ, जब तक तुम अपुन को मोबाइल पे फोन नहीं करेगा, अपुन तुम्हारा काम नहीं करने वाला। ओके ओके, ये बता, ये कितने का लिया? फोकट है। फोकट है? कंपनी वालों ने कोई नया स्कीम निकाला है, मुझे बता ना, मैं भी ले लूंगा। अरे फोकट मतलब ढाबेला है, ढाबेला चुराया नेचुरली। ओके। अच्छा सेठ, ये क्या? शेरू का बाल, काम होने के बाद वापस देना। अच्छा, एक मिनट, शेरू, लालू का बाल काम होने के बाद वापस दे देना। ओके। क्या हो गया? काम हो गया। ये यार रख दो। हेलो रिचा। हाय, 100 साल की उम्र है तुम्हारी, अभी मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अरे अच्छा, फिर तो टेलीपैथी हो गई। अच्छा सुनो रिचा, आज रात को मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ चोरी करने के लिए। वो तो तुम पहले ही कर चुके हो मेरे दिल। अरे वो ठीक है, मगर आज मैं कोई कीमती चीज चुराने आ रहा हूँ। क्या? गुस्सा मत हो, देखो एक्चुअली क्या हो गया ना, मेरे जीजू ने ना मेरी दीदी के कहने पर एक चोर को सुपारी दी है तुम्हारे घर पे चोरी करने के लिए, और वो चोर मैं हूँ। ओह माय गॉड। फिगर नॉट, बाद में वो जेवर मैं तुम्हारे भाभी को लौटा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, लौटाने की जरूरत नहीं, वो जेवर मैं रख लूंगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मेरे भैया भी मेरी भाभी के कहने पर किसी चोर को सुपारी देने वाले हैं। किस लिए? तुम्हारे दीदी के घर चोरी कराने। डबल क्रॉस। अच्छा अच्छा, तुम मुझे तुम्हारे भैया के ऑफिस का एड्रेस दे दो। अंदर आ सकते हैं क्या? भाई, इस भाई को तुम्हारे बैंक से धंधे के लिए लोन चाहिए, बोल देता है क्या? जल्दी बोल। धंधा क्या है? चोरी का। कितने सालों का एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस बहुत है। वो क्या ना, अपना धंधा बहुत बड़ा और बहुत फैलेला है। क्या, बस स्टॉप से लेके रेलवे स्टेशन तक सब जगह अपन का कस्टमर लोग है। वो क्या, अपन होम सर्विस भी देता हूँ फोकट में। वो तो ठीक है, लेकिन हमारा क्या प्रोसीजर है? पहले हम एक टेस्ट लेते हैं। मतलब ये है, तुम्हें चोरी करके बताना पड़ेगा कि तुम चोर हो, वरना एक आम इंसान की तरह तुम्हें इनकम टैक्स पेपर देने पड़ेंगे, वो भी 2 गारंटर्स के साथ। गारंटर? वो क्या होता है? बहुत सिंपल बात है, जो हमसे लोन लेते हैं उनको तंग करने का, परेशान करने का हमारा प्रोसीजर है, बहुत पुराना है बैंक का। खैर, ये सब कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चोरी करके तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि तुम चोर हो, ताकि हमें इस बात का विश्वास हो जाए कि जो लोन तुम हमसे लोगे उसकी किस्तें तुम वक्त पे अदा करते रहोगे। बहुत बढ़िया, बताओ कहाँ चोरी करनी है? बताता हूँ, पहले कंटिन्यू चलते, चाय पीते ना यार। बहुत बढ़िया, आजा मेरे भाई। अरे मनु, तुमने उस चोर को ठीक से एड्रेस दिया भी था कि नहीं? अरे मैंने उसे देश पांडे के घर का पोस्टल एड्रेस दिया था, और उसको कहा ठीक 11 बजे वहां चोरी करना। अरे लेकिन 11 तो बज चुके हैं, कोई शोर तो सुनाई नहीं दे रहा। ओहो, ये तो 11 बज गए, अभी तक चोर चोर की आवाज क्यों नहीं आई? लगता है दाढ़ी वाला शेरू अभी तक पहुंचा नहीं होगा। चोर चोर चोर, अरे देश पांडे के घर में चोरी हो गई। ईश्वरिया की आवाज, मतलब चोरी हो गई। लालू, 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 चोरी हो गई। चलो अच्छा हुआ। अरे क्या अच्छा हुआ, अपने घर में चोरी हुई है। क्या? तो जाओ, खड़ी क्यों, चोर को पकड़ो। मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ। अरे हाँ, चोर चोर। भाभी जाके देखिए तो सही कि आपके गहने सही सलामत है या नहीं। अरे पागल हो गई है क्या,
मैंने अपने गहने ऐसी जगह पे छुपाए कि चोर उसे ढूंढ ही नहीं सकता। लेकिन जाके एक बार देख तो लो ना, उसमें क्या हर्ज है। अच्छा बाबा देख लेती हूँ। थैंक यू देश पांडे। तो क्या भाई, ये चोर तो समय का बहुत पाबंद वाला आदमी निकला है, कमाल होगी। भैया इट्स वेरी स्मार्ट। तुम्हें कैसे पता? चोर! अरे मेरे गहने चोरी हो गए, मैं तो बर्बाद हो गई, लूट गई सारे गहने। ओए चोर 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 चिल्ला रहे हो, चोर चोर जाओ बाहर, चोर को ढूंढो। चोर 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 तू क्या हंस रही है? मेरे घर में भी चोर चोरी करके चला गया। मेरी बीवी के गहने लेके चला गया, चोर कहीं का। मेरी बीवी के भी गहने लेके चला गया, चोर कहीं का। अच्छा अरे जाके पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। अच्छा थाने जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने चोर को पकड़ लिया है, ले लीजिए आपके गहने। अरे तुम इंस्पेक्टर हो? तुम्हें क्या दिखता हूँ? रात सुबह तो मुझे लगा और हराम कौन किसके लिए काम करता है? इन दोनों के लिए। हम दोनों के लिए? सचिन तू तेरे घर के सामने